लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा से लोकसभा चुनावों का शंखनाद करने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान को चुना है, जहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रैली कर लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तैयार करेंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लेने धर्मशाला पहुंची प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंजनी पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 7 मार्च को होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए नेता व कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनावों के दौरान जो वायदे किए थे, उन्हें स्वयं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला कह चुके हैं। पाटिल ने कहा कि रैली को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए गए हैं। केंद्र ने चुनावों के दौरान जो वायदे किए थे, उन्हें धरातल पर नहीं उतारा गया है। पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार की असफलताओं बारे जनता को जागरूक किया जाएगा। किसानों की समस्याएं जस की तस हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं महिलाओं को आरक्षण जैसे मुद्दे अभी तक लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि राफेल को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के मांगे जा रहे सबूतों के बारे में रंजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम सब अपने नेता की बात पर अटल हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति शहीदों का अपमान होगा, ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक पर हमें कुछ नहीं कहना है। पार्टी प्रत्याशियों के चयन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की राय को लेकर पूछे गए सवाल पर रंजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी में वीरभद्र सिंह को एक किनारे नहीं किया जा सकता है। पूर्व सीएम द्वारा हमीरपुर व मंडी संसदीय क्षेत्र में दखल के कयासों के जवाब पर पाटिल ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के सम्मानीय नेता हैं, ऐसे में उनकी राय तो पार्टी में अहम रहेगी। कांग्रेस प्रभारी ने कहा लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा का भी समय मांगा गया है, ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जा सके। 7 तारीख को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, जिसमें हिमाचल में अध्यक्ष बनने के बाद में वो पहली बार आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में। तो ये रणनीति ये है कि जो चुनाव है, चुनाव का लक्ष्य 2019, तो उसके संबंध में वो हमें सबको संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को सलाह मशवरा करेंगे और कार्यकर्ताओं का जो मन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद होंगे और उनसे उत्साहित और प्रेरित होकर आगे चल के हम काम करेंगे। किस तरह का टारगेट रखा गया है, कितने करीब जो कार्यकर्ता हैं मौजूद रहने वाले? देखिए, हमारे यहाँ हम कोई लाभार्थियों को लाने वाला काम करते नहीं। पार्टी में हमारे ये कांग्रेस पार्टी है, हमारे हर कोई अपना अपना घर का काम समझ के काम पे लगा है। आपने देखा होगा हमारा कोई कॉन्टेस्टेड MLA हो, MLA हो, यहाँ पे कार्यकर्ता हो हमारा बड़ा वाला, कोई भी छोटा बड़ा, सब मिलके हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या करना है। मैंने बोला आप सब जितने भी लोगों को लेके आ सकते हैं गांधी जी का राहुल जी का संदेश सुनने के लिए, उनको लेके आइए। और बहुत बड़ा, आप ही वहाँ पे मौजूद होंगे, आप ही विटनेस करिए कि कितने लोग हमें आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आंकड़ा आ रहा था कि 50,000 के करीब तो लोग रह सकते हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन भाजपा ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि 5,000 भी आ जाए तो गनीमत है। देखिए, उनको जो कहना है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग आ जाए और वो आएंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करना। मैडम, कौन से बड़े बड़े नेता जो हैं इस रैली में आ रहे हैं? आनंद शर्मा जी आएंगे उनके साथ, ऐसे लगता है, क्योंकि आनंद शर्मा जी का खुद का भी स्टेट है। वीरभद्र सिंह जी को हमने आमंत्रित तो किया है, लेकिन वीरभद्र जी की यहाँ शादी है तो शायद वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी सब लीडर्स रहेंगे। टिकट आवंटन कब तक जो है? टिकट आवंटन हमारे, मुझे लगता है इस चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में 5-6 दिन में हो जाएगा। मैम, प्रियंका गांधी का घर भी हिमाचल में बना है और महासचिव वो नवनियुक्त हुई हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनावों को देखते हुए उनकी रैलियां हिमाचल में करवाने का हमने उनको एक रिक्वेस्ट किया है। जब हमारी पहली बार मीटिंग हुई थी इंचार्ज के और जनरल सेक्रेटरीज के, तो हमने बोला कि आपको हिमाचल आना जरूरी है, क्योंकि आप खुद हिमाचल में, आपका घर है, तो आपका घर है इसलिए आपको आना है।
तो मुझे लगता है वो आएगी, एक हाथ सभा हमारे साथ करेगी वो। मैम, सुधीर शर्मा और जीएस बाली ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन उनका नाम जो है जोरों शोरों से आ रहा है कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के लिए, क्या इनके नाम पे भी चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, जो जो भी लाभ विनेबिलिटी जिनकी भी है सभी नाम हम हाईकमांड के सामने रखेंगे, उसके ऊपर वो निर्णय करेंगे। पर इन्होंने आवेदन नहीं किया ना मैम? ऐसे होता है कभी कभी, लेकिन हमें पर्सनली जाके भी मिलते हैं बहुत सारे लोग, आवेदन नहीं करते हैं क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता, हम इतने बड़े कद के लीडर हैं तो हम आवेदन कैसे करेंगे, लेकिन हमें आके फिर मिलते हैं तो हम उनको समझाएंगे, उनका नाम आगे करेंगे। युवा नेता भी आने का कोई टिकट अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो है हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभिषेक राणा का नाम आगे किया है, और मंडी भी उनकी परंपरागत सीट रही है, तो ऐसे में क्या या उन्हें पार्टी टिकट देगी या उनकी पसंद के चेहरों पे ही दाव खेलेगी? आपको बहुत ही अच्छे चेहरे देंगे और आपको आश्चर्यजनक कुछ चेहरे देखने के लिए मिलेंगे, इतना मैं कहती हूँ। ठीक।